नमस्कार, आप देख रहे हैं reeducation.in। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं हूँ आरजू अग्रवाल। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये रिव्यूज अगर आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नहीं हेल्पफुल लग रहे हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या सजेशन मुझे देना चाहते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ, अगर आपको बेस्ट कोचिंग्स, वर्स्ट कोचिंग्स, बेस्ट कॉलेजेस, वर्स्ट कॉलेजेस की अगर पूरी जानकारी चाहिए तो आप blog.reeducation.in पर ज़रूर लॉग इन कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको हम पूरी एक्यूरेट जानकारी आफ्टर रिसर्च प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं एग्जाम नोटिफिकेशंस, जॉब नोटिफिकेशंस, तो आप reeducation.in ज़रूर विजिट कीजिए, क्योंकि वहाँ आपको एकदम लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगे विद एक्यूरेसी। अच्छा, तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स के एक फ़ायदे की बात कर लेते हैं। अगर स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, नाटा हो, यूपीएससी हो, या फिर आईआईटी जेईई हो, बैंक, किसी भी चीज़ के लिए आप ए टू जेड प्रिपरेशन कर रहे हो, आप बस अपने एग्ज़ाम का नाम और हमारी साइट का नाम डालिए तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लोगोस दिख जाएंगे। तो इन लोगोस पर जब आप क्लिक करते हैं ना, तो आप ग्रुप में ऐड कर पाएंगे खुद को और स्टूडेंट्स के साथ में ऐड होकर आप एग्जाम की और बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको और बेटर स्टडी मटेरियल मिलेगा, फैकल्टी से आपको गाइडेंस मिलेगी, काउंसलिंग मिलेगा, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद चीज़ होगी। इट्स जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं करियर प्लानर कोचिंग की। यहाँ पर अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं बैंक एसएससी की, तो ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है इसके बारे में आप पहले पूरा सब कुछ जान लीजिए, तब जाके आप सोचिए कि आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है या नहीं। तो अगर आप बैंक एसएससी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, बिहार पटना में रह रहे हैं, तो इस कोचिंग का रिव्यू ज़रूर देखिए। तो अगर हम स्टूडेंट रिव्यूज़ की बात करें, तो आप अगर गूगल पे देखेंगे तो आपको इनके एक दो पॉजिटिव रिव्यूज़ दिख जाएंगे कि बहुत अच्छी बैंक पी ओ की कोचिंग है और एसएससी की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराता है, सीजीएल बैंक, आरआरबी रेलवे की बहुत अच्छी कोचिंग कराता है ये। तो ये आपको कुछ एक दो ऐसे रिव्यूज़ होंगे जो दिख जाएंगे, पर एक जो इसमें हमको एक चीज़ पता चली है, एक फैक्चुअल चीज़ पता चली है कि स्टूडेंट्स, वो ये है कि जो पॉजिटिव रिव्यूज़ जितने भी आपको दिखते हैं, वो जो है टीचर्स ने खुद ही बोल कर प्रेशराइज करके स्टूडेंट्स को पॉजिटिव रिव्यूज़ लिखवाए हैं। वरना बहुत से जो जेन्युइन इनके रिव्यूज़ हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने इनको सिर्फ वन रेट किया है, क्योंकि वन से कम रेट करने का कोई और ऑप्शन नहीं होता है, यू हैव टू रेट एनी वन एटलीस्ट वन। तो कुछ स्टूडेंट ने सिर्फ इस वजह से इनको वन भी इसीलिए रेट किया है, और फैकल्टीज़ जो हैं वो उतने अच्छे नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ इसीलिए अच्छा लिखा है क्योंकि उनको प्रेशराइज किया गया है। तो ये इस कोचिंग के बहुत बड़े लूपहोल है, और इन रिव्यूज़ के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मतलब, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग्स में क्या होता है ना कि वो आपसे तब मीठी मीठी बात करते हैं जब उनको एडमिशन लेना होता है। जैसे ही आप एक बार एडमिशन ले लेते हैं, फीस पे कर देते हैं, फिर उनको कुछ मतलब नहीं होता। ये कोचिंग भी उन्हीं में से है हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग। अच्छा, बैच साइज़ की हम बात करें, बैच साइज़ तो इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 120 बच्चों का इनका बैच है। फीस जो है 17,500 एक साल की फ़ीस, एक मॉडरेट सी फीस है इनकी, मतलब अफोर्डेबल फीस है। बुक रिकमेंडेशन की अगर हम बात करते हैं, तो इनका खुद का ही स्टडी मटेरियल होता है। पास रिजल्ट पर अगर हम बात करें, तो 123 बच्चों में से 22 बच्चों ने एग्ज़ाम क्रैक किया है। वैसे तो ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुद का रिजल्ट बढ़ा के ही बताते हैं, तो अगर इन्होंने भी बढ़ा कर बताया तब भी फिर कम ही है वैसे तो। और अगर हम बात करते हैं इनके ऑनलाइन नोट्स की हम बात करें, तो इनके एज सच कुछ भी मतलब ऑनलाइन नोट्स वगैरह तो नहीं अवेलेबल है, नहीं वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हैं अवेलेबल है, मॉक टेस्ट वगैरह, हाँ आपको एग्ज़ाम नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, सिंपल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मंथली मैगजीन मिल जाएगी, क्विज वगैरह आपको ये सब करंट अफेयर्स वगैरह इनकी साइट पर मिल जाएगा, पर एज सच नोट्स नहीं अवेलेबल है। तो अब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही, लेकिन अगर आप किसी और कोचिंग के